नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी ने मिलकर उपखंड अधिकारी श्रीमती संजू मीणा को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान उपखंड क्षेत्र की समस्त आशा सहयोगिनी मौजूद रही और ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार से अपने अधिकार की मांग करते हुए अपना कार्य बहिष्कार किया। और आशा सहयोगिनियों ने बताया कि हम 15 वर्ष से कार्यरत हैं और हमें सभी कार्यालयों में कर्मचारी के रूप में यूज में लिया जाता है और कोविड-19 के तहत भी हमें राज्य सरकार ने हर जगह कार्य करने को अवगत कराया और सर्वे करने के लिए भी कहा गया। इसमें भी हमने दिन रात मेहनत कर ऐसी भयंकर महामारी में हमारे परिवार में बच्चों की परवाह किए बगैर सेवाएं दी हैं और जहां भी राज्य सरकार का आदेश होता हम उसी जगह सेवा पर खड़े हो जाते हैं और राज्य सरकार के आदेशों की पालना करते हुए कार्य को अंजाम देते हैं। फिर भी राज्य सरकार हमारी और अनदेखी कर नजरअंदाज कर देती है। हमें कार्य ज्वाइन किए हुए लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक सरकारी कर्मचारियों में घोषित नहीं हुए हैं, जिसके चलते हम समस्त आशा सहयोगिनी अपना कार्य बहिष्कार करते हैं। गौरतलब तो ये है कि हम आंगनबाड़ी के अलावा विद्यालय और चिकित्सा विभाग और समस्त विभाग में हमारी सेवाएं ले रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा हमें अभी तक 2700 रुपए की पगार मिल रही है, जिसके चलते हमारे परिवार का भरण पोषण भी नहीं होता है। वहीं इस तनख्वाह से हमारी पूर्ति नहीं होती है। राज्य सरकार की लापरवाही को देखकर आज कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इस दौरान समस्त उपखंड सहयोगिनी मौजूद रही।